सर बात कर रहे थे कि साहब महाशक्तियां इस समय घुटनों पर, लेकिन विश्व गुरु भारत खड़ा हुआ है डटकर मजबूती से कोरोना की इस महामारी के सामने। बड़ी वजह आपको क्या लगती है सर? मेरे ख्याल से आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यह है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत सही वक्त पे एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम डिसीजन लेना है, वो है लॉकडाउन। इतने बड़े विशाल देश में जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, जितने प्रकार के हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, उन सब जगहों में अगर हमने लॉकडाउन करने की कोशिश करी और उस कोशिश में हम बहुत फीसदी आई वुड से 85-90% केसेस में हमारी लॉकडाउन जो है सक्सेसफुल रहा है। ऑफ कोर्स इंसिडेंट्स हम होते हैं इतनी बड़ी कंट्री के अंदर, लेकिन 80-85% चांसेस हमारी सक्सेस रहा है और ये एक बहुत बड़ा अहम कारण रहा है जिससे कि हम इस कोरोना का जो वो है, टेस्टिंग एक अलग चीज है, ट्रीटमेंट एक अलग चीज है, वेंटिलेटर एक अलग चीज है, वो सारी चीजें बाद में आती है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम इन्फेक्टिविटी रेट जो हमारा जो ट्रांसमिशन रेट है, हाँ, अगर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसका सिर्फ एक रास्ता है और वो है लॉकडाउन। जो कि समझ पा रही हूँ कि लॉकडाउन एक तरीके से जिस मकसद के साथ किया गया था कोरोना के खात्मे के लिए, अब कोरोना को खत्म करने के लिए ये जो रैपिड टेस्ट है खासतौर से ये एक अग्रेसिव अप्रोच है सर। एक जरूरी अप्रोच है और मैं डॉक्टर सेठ के साथ बिल्कुल कंप्लीटली अग्री करता हूँ। ये एक टेस्ट है जिससे कि हम डायग्नोज नहीं कर सकते किसी पेशेंट को उस समय एक्टिव कोरोना है। ये बताता है कि आपको पिछले 7 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर आपको कांटेक्ट हुआ है किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से या उससे, और इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है उस एरिया में रहा है जहां पर उसको कोरोना हुआ है। मेरे ख्याल से ये टेस्ट जो है इसकी 2-3 जगह अलग भी वैल्यू है। जब हम लॉकडाउन से निकलेंगे उस समय हमें कैसे डिसाइड करना है कि हम किन लोगों को अपने मतलब रूटीन नॉर्मल काम में आने दे सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आदमी सेफ है, ये आदमी सेफ नहीं है। इन केसेस को मतलब जब भी ये चीज शुरू होगी तो आई थिंक इसकी एक एप्लीकेशन इस रैपिड टेस्ट की ये हो सकती है कि हर एक पेशेंट का ये एक रैपिड टेस्ट कराया जाए और अगर वो नेगेटिव आता है तो ये पेशेंट जो है वैसे सेफ है, इन द सेंस कि उसको इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन उसको खुद को खतरा है कि उसको कभी कोरोना फिर भी हो सकता है। जो सबसे सेफ पेशेंट होगा वो होगा जिसको कि इस रैपिड टेस्ट से पता लगता है कि उसको IgG जो डिलेड एंटीबॉडीज होती है वो उसके बॉडी में है, और ऐसे केस का अगर आप वास्तविक में चाहें कि उसको पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेट करें, उस पेशेंट का एक RT-PCR टेस्ट भी होना चाहिए देखने के लिए कि वो उस वक्त पे उस पॉइंट पे वो एक्टिव कैरियर तो नहीं है। और अगर बेस्ट पर्सन वो होगा जिसका कि रैपिड टेस्ट पॉजिटिव है फॉर लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज और वो PCR उसका नेगेटिव है, वो आदमी सेफ है, उसको आप अपने सबसे आगे रख सकते हैं क्योंकि उसको होपफुली कोरोना से एक किस्म की प्रोटेक्शन दी हुई है, वो इन्फेक्ट हुआ था लेकिन वो उसको ओवरकम कर चुका जी। चिन्हित करने के लिए सर, आइडेंटिफाई करने के लिए उन इलाकों को जहां छूट दी जाए, ये एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन एरियाज में पहले एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि वाकई जो हमारी इम्प्रेशन है कि यहाँ पर ये हमारे एरियाज बिल्कुल ड्राई हैं और ग्रीन हैं, इन एरियाज में अगर ये बीमारी नहीं है तो उनको डेफिनेटली छूट दी जा सकती है, नंबर वन। लेकिन ये खास ख्याल रहेगा उसके बाद भी कि बाहर से लोग उस एरिया को एंटर ना करें, और अगर एंटर करें तो उनमें बहुत सख्त निगरानी के साथ एंटर करें क्योंकि बाहर से फिर एक आदमी पूरा एपिडेमिक शुरू कर सकता है।